नमस्कार, मैं दिवांशी मोइत्रा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज पर कब्जा जमाने वाली बांग्लादेश टीम के हौसले बेहद बुलंद है। ये टीम आगामी वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसी कड़ी में टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश ने टीम का ऐलान कर दिया। महमूदुल्ला की कप्तानी वाली टीम में शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, सौम्य सरकार, लिटन दास, मुस्तफिजुर रहमान सहित कई सीनियर खिलाड़ियों को जगह मिली, जबकि टीम में कोई भी चौंकाने वाला नाम नहीं। वहीं बांग्लादेश की पूरी टीम पर नजर डालें तो महमूदुल्ला, मोहम्मद नईम, सौम्य सरकार, लिटन दास, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, आफिफ हुसैन, मेहदी हसन, नसूम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, मोहम्मद सैफुद्दीन, शमीम हुसैन को जगह मिली। इसके अलावा रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रुबेल हुसैन, अमीनुल इस्लाम, बिप्लव को शामिल किया गया। बता दें कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 18 अक्टूबर को स्कॉटलैंड के साथ खेलेगा। गौरतलब है कि टी20 विश्व कप 2021 का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में होगा। 8 टीमें पहले राउंड में भाग लेंगी, जिसमें श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल है, जबकि शेष 6 टीमों ने ICC टी20 विश्व कप क्वालिफायर के जरिए अपनी जगह पक्की की। ग्रुप ए में आयरलैंड, नीदरलैंड और नामीबिया श्रीलंका में शामिल हो गए, जबकि ओमान, PNG और स्कॉटलैंड ग्रुप बी में बांग्लादेश का सामना करेंगे। अब बांग्लादेश उम्मीद कर रहा होगा कि टीम का जैसा प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में रहा है, वैसा ही विश्व कप के दौरान भी रहे।